चाची को होश आ गया। अच्छा आप उनके पास जाइए, हम डॉक्टर को बुला के लाते हैं। हाँ मैं अभी दिया जलाकर जाती हूँ। जी माँ, माँ डॉक्टर साहब तो कहीं मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है। ये दरवाजा भी बंद है। अब आप सब उनसे मिल सकते हैं, आइए। राजा कहाँ है? महाराज अब खतरे से बाहर हैं, आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब घर इतनी जल्दी, अभी कैसे? घर में देवी माँ की स्थापना हुई है, हम देवी माँ के चरणों में रहना चाहते हैं। चाहे इस बंद कमरे में नहीं, रानी हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं कि तुमने हमारी बात का मान रखा और चुनाव में खड़े होने का फैसला ले लिया। थैंक यू। आप हमारे लिए मौत के सामने खड़े हो गए, हम आपके लिए चुनाव में तो खड़े हो ही सकते हैं। शाबाश रानी, अब जाओ देवी माँ का आशीर्वाद लो और चुनाव के पर्चे पर मैं दस्तखत करता हूँ। हाँ आप चिंता मत कीजिए, महाराज को घर पर भी हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं मिलेंगी। हमारे हॉस्पिटल की एक नर्स इनकी देखभाल के लिए रहेंगी। पर डॉक्टर साहब इतना बड़ा जख्म है, कहीं कुछ? फिक्र मत करो रानी, जिस देवी माँ ने हमें रास्ता दिखाया है वो हमें उस रास्ते पर चलने की पूरी हिम्मत देगी। वैसे भी घर में हमारा ख्याल रखने के लिए हमारी माँ है ना। हम दादू को फोन करके बोल देते हैं कि अब पिताजी एकदम ठीक हैं। राजा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। बस अब आपके इस नाटक की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सच क्या है वो मैं जान चुका हूं। और सच यह है कि आप पर जो हमला हुआ था वो झूठ था। क्या बकवास कर रहा है राजा? आप सबको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है ना? तो एक मिनट, अब सारा सच सबके सामने आ जाएगा। राजा, राजा क्या कर रहे हो? नकली गोली काल को खाओ कैसे दे गई? बंड
भंडारी का फोन आया था। राजा को वो नकली कारतूस मिल गया जो आप पर चलाया गया था। अब वो जानता है कि ये सिर्फ एक नाटक था। वैसे उस नकली कारतूस को तो त्यागी और भंडारी ने किसी तरह गटर में बहा दिया। अगर राजा ने जबान खोल दी तो सबको पता चल जाएगा कि आपका ये जख्म एक झूठ है। तो फिर इस झूठ को सच में बदलना होगा। राजा सही बोल रहे हैं। हम नहीं जानते महाराज आपने ये सब क्यों किया। हम बस इतना जानते हैं कि आप पर हुआ हमला नकली था। और हमारा पति सही कह रहे हैं, हमें अपने पति पर विश्वास है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत की जरूरत अदालत को होती है, दिल को नहीं। और हमारे दिल को राजा की सच्चाई पर पूरा भरोसा। राजा भले ही अभी सबूत नहीं दे सकता, पर हमने भी कुछ ऐसा देखा जिसे हमें इस बात पे पूरा विश्वास है। इतना बुरा रोड एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी वाले ने टक्कर मारी और रुका भी नहीं। जिस त्यागी को राजा ने हमारे कहने पे छोड़ दिया था, वो अचानक उसी दिन कैसे मर सकता है? जिस दिन राजा को आपके हमले की सच्चाई पर शक हुआ हो, त्यागी ही ऐसा आदमी था जो आपकी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकता था, इसलिए आपने उसे खामोश कर दिया। आपके दिल के पास गोली लगी, ऑपरेशन हुआ, तब भी आप बिना किसी तकलीफ बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, चल फिर रहे हैं। और आपको कैसे पता हमने चुनाव के लिए हाँ कर दिया, जबकि ये बात ना तो राजा ने आपको बताई और ना ही हमने। बताइए महाराज, क्या अब भी मैं झूठ बोल रहा हूं? कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। माँ, आपके पति सच बोल रहे हैं या झूठ, इसका फैसला आप ही कीजिए। पर हम इतना जानते हैं, हमारा राजा, हमारा पति हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। जब आप अपने पति का साथ देना चाहती थी, हमने आपके फैसले का सम्मान किया। अब हम अपने पति का साथ देना चाहते हैं। गायत्री, पता नहीं दौरे पड़ते ही दादू को क्या हो जाता है। उन्हें लगता है वो राजमाता है और राणा इंद्रवर्धन सिंह और रानी गायत्री के बेटे और बहू। सोच के हंसी आती है। आज एग्जाम्स खत्म होते ही मैं सब सच बता दूंगा।